नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल माहिदा टैकी पर। दोस्तों आज जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो है न्यूली लॉन्च्ड वॉच जो कि है अमेज़फिट बिप एस लाइट, उसका हम कंपैरिजन करेंगे उसी के सेगमेंट की स्मार्ट वॉच जिसका नाम है बिप एस के साथ। जी हाँ, तो बिप एस लाइट जो है वो थोड़ा लाइटर वर्जन है बिप एस का। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत निराशा हुई है, ये जो कंपनियाँ हमारे साथ गेम खेल रही हैं, सेम वॉच को आप तीन तीन बार नाम बदल के घुमा फिरा के दो साल बाद लॉन्च करते हो, एक साल बाद लॉन्च करते हो, और उस टाइम का जो लेटेस्ट फीचर है एक आधा उसमें डाल देते हो। पूरी घड़ी सेम होती है, डायल सेम, डिस्प्ले सेम, हर चीज़ सेम, लेकिन उसका नाम बदल देते हो ताकि आप अपनी मार्केट को पकड़ के रखो। ये कस्टमर के साथ सरासर मुझे खिलवाड़ लगता है। पहले ऐसा होता था कि जब आप कोई नया मॉडल लॉन्च करते थे तो उसके अंदर काफ़ी नए नए फीचर्स देखने को मिलते थे जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता था। आजकल क्या है कि आपने पहले बिप एस जो उसका छोटा वर्जन था बिप लाइट आपने लॉन्च करी, सबसे पहले बिप लाइट आई। बिप लाइट लॉन्च करने के बाद जब वो थोड़ी पुरानी होने लगी तो लोग उससे भागने लगे, तो इन्होंने उसी का नाम चेंज करके बिप एस लाइट नाम से लॉन्च कर दी। अब दो साल बाद लॉन्च करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस समय का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है वो थोड़ा सा उसमें डाल देंगे। लेकिन ओवरऑल अब तीनों घड़ियों को कंपेयर करके देखेंगे तो तीनों में कोई ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ तीनों का कंपैरिजन। तो आज मैं आपको बिप एस लाइट और जो इसकी बड़ी बहन बिप एस का कंपैरिजन करके बताऊंगा। आप खुद देखना हंसते हंसते, मतलब ये मुझे तो कॉमेडी रिव्यू लग रहा है कि मैं बार बार यही बोलता रहूँगा सेम है सेम है सेम है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं रिव्यू से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए करते हैं आज मजाक वाला रिव्यू। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, तो बिप एस लाइट जो कि न्यू लॉन्च हुई है उसका प्राइस है 3,799 और पुरानी बिप एस का प्राइस है 4,999 रुपये। कलर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों ही वॉचेस तीन तीन कलर्स में अवेलेबल हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो दोनों ही वॉचेस iOS एंड एंड्रॉयड दोनों को सपोर्ट करती हैं। स्क्रीन साइज दोनों का सेम है, डिस्प्ले दोनों का सेम है, कर्व 2.5D ट्रांसफ्लेक्टिव डिस्प्ले। तो मुझे समझ नहीं आता ये क्या गेम खेलते हैं कि उसी का छोटा वर्जन निकालते हैं, सब चीज़ें सेम रखते हैं, भाई 5,000 वाले में क्या खास मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों में है, स्क्रीन प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 3, बॉडी टाइप पॉलीकार्बोनेट, डायल शेप रेक्टेंगुलर, बटन सेम स्टेनलेस स्टील का बटन 316L क्वालिटी का, स्ट्रैप दोनों का सेम, वेट ऑलमोस्ट दोनों का सेम 30 से 31 ग्राम, नोटिफिकेशन इनकमिंग कॉल SMS व्हाट्सएप फेसबुक एंड अदर एप्लीकेशन वो भी सेम। मोबाइल कंट्रोल्स की बात करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, खैर ये कम बजट की घड़ी है तो इसमें तो कम ही चीज़ें मिलेंगी हमको बिप एस लाइट में। तो म्यूज़िक कंट्रोल देखने को मिल रहा है, कॉल सिर्फ रिजेक्ट कर सकते हैं, क्विक रिप्लाइज नहीं है दोनों वॉचेस में, ब्लूटूथ वर्जन लेटेस्ट 5.0, मैग्नेटिक चार्जिंग यस USB मैग्नेटिक चार्जर है दोनों वॉचेस में, बैटरी दोनों वॉचेस की सेम है 200 mAh। अब एक में ये लिख रहे हैं 30 दिन का बैकअप मिलेगा, एक में लिख रहे हैं 40 दिन का मिलेगा। तो ये चीज़ अमेज़फिट की बड़ी कंफ्यूजिंग है, कहते हैं नॉर्मल यूज़ सिनेरियो में इतने दिन का मिलेगा, टिपिकल यूज़ सिनेरियो में इतने दिन का मिलेगा बैकअप, तो थोड़ी कन्फ्यूजन है। चलो शुक्र है कुछ फ़र्क तो मिला GPS में हमें देखने को, इनबिल्ट GPS हमें मिल रहा है बिप एस में, जबकि बिप एस लाइट में आप कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू GPS। डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस दोनों में सेम है, मल्टीपल वॉच फेसेस आई थिंक बिप एस लाइट में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं 150 के करीब, जिसमें से 40 एट द टाइम ऑफ लॉन्च मिल जाएंगे आपको वॉच के और 110 जो है आफ्टर OTA अपडेट। ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर दोनों में नहीं है, ब्लड प्रेशर दोनों में नहीं है, और फिटनेस मोड एक में 8 है तो एक में 10। और एक खास बात है अमेज़फिट की वॉच इसकी कि बायो ट्रैकर PPG सेंसर लगा होता है जिससे कि बैटरी कंजम्पशन 80% तक रिड्यूस हो जाता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आई थिंक यही वजह है कि इतने कम बैटरी में भी ज़्यादा दिन का बैटरी बैकअप क्लेम करती हैं अमेज़फिट की वॉचेस। तो दोस्तों मैं क्या कंपेयर करूँ इसमें, बिप एस लाइट जो है 1200 रुपये सस्ती मिल रही है और जो बिप एस है वो कह रहा है कि मैं 10 दिन का फालतू बैकअप दूंगा सेम 200 mAh बैटरी में और मेरे पास बिल्ट इन GPS है। तो क्या आप सिर्फ इन दो चीज़ों के लिए 1300 रुपये खर्चना चाहेंगे? आप एक बार अच्छी तरीके से खुद भी इसके रिव्यूज़ पढ़ लेना, फीचर सारे देख लेना। मुझे नहीं पता ये कंपनी ऐसा क्यों मजाक कर रही है। दोस्तों मुझे तो डर ही लग रहा था मैं वीडियो डालूँ या ना डालूँ, इतना छोटा कंपैरिजन तो मैंने आज तक अभी किया ही नहीं है कि फटाफट से हो गया ये। तो अब बात करते हैं कि आप अगर बिप एस पे जाएंगे जो कि 1200 रुपये लगभग महंगी है तो आप उसके पास क्यों जाएंगे, 1200 में ऐसा वो खास क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है।
तो खास क्या दे रहा है, एक आपको क्लेम कर रहा है कि मैं ज़्यादा दिन बैटरी बैकअप का क्लेम लेता हूँ, वहाँ बिपैस लाइट 30 दिन का दे रही है तो ये 40 दिन का क्लेम कर रहा है, लेकिन बैटरी सेम ही है, 200 mAh ही है। तो ये पता नहीं क्या क्लेम में आपस में खेलते हैं, कहते हैं जी टिपिकल सिनेरियो में यूज़ करोगे तो इतना चलेगी, नॉर्मल में यूज़ करोगे इतना चलेगी। अरे इतना कौन ध्यान रखता है भाई, तुम एक ऐसा सिनेरियो बनाओ ना जो हर यूज़र यूज़ करता है। तुम ऐसे टिपिकल नॉर्मल हाई सिनेरियो बोल बोल के पता नहीं क्या बैटरी बैकअप बनाए जा रहे हो, मुझे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता कि ये कैसे लोगों को पागल बना रहे हैं। अपना 40 दिन बैकअप, 30 दिन बैकअप, बैटरी 200 mAh है, वहीं लोग 400-400 बैटरी एम एच वाली जो एंड्योर है वो कह रही है हम 10 से 15 दिन का बैकअप देंगे। तो जेन्युइन बैकअप है वो, ये ऐसे अगर हमें 200 mAh में 40-40 दिन का बैकअप मिलने लग गया तो हो गया काम, या तो वही बंदा ले सकते हो तो स्टैंड बाय पर रखे, बस घड़ी को डाल के रखे हाथ में, ना ब्लूटूथ कनेक्ट करें ना कुछ करें। तो बात करते हैं कि बिप एस आपको बस एक क्लेम कर रहा है कि मैं 10 दिन ज़्यादा बैटरी बैकअप दूंगा और इसमें इनबिल्ट GPS है। इसके लिए आप अगर 1200 रुपये ज़्यादा भरना चाहते हैं तो भर दीजिए, पैसे बर्बाद करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जगह मैं होऊंगा तो मैं बिप एस लाइट ही ले लूँगा जाके, सब कुछ है यार उसमें, डिस्प्ले सेम है, कर्व स्क्रीन लगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, कैमरा कंट्रोल सॉरी म्यूज़िक कंट्रोल है, तो सब कुछ सेम प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है, क्यों 1200 रुपये खर्चेंगे। तो मेरा कॉन्क्लूजन यही है कि दोनों में से अगर आपको चॉइस करनी है, अगर आपको इनबिल्ट GPS का बहुत ज़्यादा शौक है जिसका कुछ बेनिफिट नहीं है, जब आप फ़ोन के थ्रू भी GPS बिप एस लाइट में कनेक्ट कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है, तो मेरे हिसाब से बिप एस लाइट पे जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी घड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और आप ये जो घड़ियों का जो स्कैम चलता रहता है कि सेम ही नाम बदल बदल के लॉन्च कर देते हैं साल डेढ़ साल बाद ताकि उनकी मार्केट कैप्चर होती रहे, उसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले भी वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, बाय बाय।